जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, सभी छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। जितने भी कैंडिडेट ने DRDO सेप्टम 10 का फॉर्म अप्लाई किया है और जितने भी कैंडिडेट DRDO सेप्टम 10 को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप सभी की एक गलती से यहाँ पर जो है आपका सलेक्शन होने से रुक सकता है। क्योंकि यदि आप DRDO सेप्टम 10 की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी एक गलती यानी कि आपकी एक चूक आपके सलेक्शन को रोक सकती है। तो क्या वो महत्वपूर्ण जानकारी है, क्या महत्वपूर्ण सूचना है? जितने भी कैंडिडेट आप सभी में से फॉर्म अप्लाई किए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो पहली बार जो है DRDO सेप्टम 10 का फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो फ्रेंड्स आप सभी को पहले भी मैं अवगत करा चुका हूँ, एक बार फिर से अवगत कराने वाला हूँ। क्योंकि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे DRDO सेप्टम टेक्नीशियन ए को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट के यहाँ पर डाउट हैं और वो बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर टीयर फर्स्ट और टीयर सेकेंड क्या साथ में होगा। फ्रेंड्स देखिए, आप सभी अभी जो है टाइम है आपके पास, अपनी प्रिपरेशन को लेकर के यहाँ पर जो है एक्टिव रहिए। और आप सभी जानते हैं लगभग 8.5 लाख के समथिंग यहाँ पर जो आपके फॉर्म भरे गए हैं, यानी कि एक्सेप्ट जो है आपके फॉर्म होंगे वो लगभग 8.5 लाख के समथिंग होने वाले हैं। आप देख पा रहे होंगे 8,81,072 फॉर्म जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हैं, और उसमें से कुछ फॉर्म जो है वो आपके छट जाएंगे यानी कि आपके जो है रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, तो कुछ यहाँ पर बच जाएंगे। तो आप मान करके चलिए 8.5 लाख फॉर्म यहाँ पर विद्यार्थियों के द्वारा भरे गए हैं। तो आप सभी यहाँ पर सोच रहे हैं कि कंपटीशन कम है और आप में से बहुत सारे कैंडिडेट को इसलिए यहाँ पर जो है पहली बार जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको ये जानकारी नहीं है, तो मैंने सोचा कि आप सभी को जानकारी दे दी जाए जिससे कि आपका यहाँ पर जो है सारा कुछ आपको पता चल जाए और आप सही डायरेक्शन में अपना जो है फोकस रखें। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट जो है कमेंट करके, मैंने देखा कि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने कमेंट किया है कि सर टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड क्या एक ही दिन होगा। तो मैं आप सभी को पहले भी अवगत करा चुका हूँ, बट आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो ITI वालों ने उस वीडियो को नहीं देखा है। तो आप सभी में से ITI वाले छात्र, ये आपको ध्यान रखना है कि टीयर फर्स्ट आपका जो है वो आपका या तो नवंबर के लास्ट तक आपका हो जाएगा। देखिए, नवंबर के लास्ट या फिर दिसंबर के फर्स्ट तक आपका टीयर फर्स्ट का जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड में बहुत डिफरेंट है, आपको केवल अभी टीयर फर्स्ट पर यहाँ पर फोकस रखना है। क्योंकि आप सभी से बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर ट्रेड टेस्ट को लेकर भी यहाँ पर वीडियो बनाइए। देखिए, जिसका उचित समय है उसी पर आपको फोकस करना चाहिए। आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट हैं, टीयर सेकंड की बात में बात करेंगे क्योंकि फ्रेंड्स उसके लिए आपको टाइम मिलेगा, बट यहाँ पर टीयर फर्स्ट में आपको ITI के जितने भी कैंडिडेट हैं अब जो है बिल्कुल भी आपके पास जो समय नहीं है। आप सभी को पूरी प्रिपरेशन पर ध्यान देना चाहिए और जितने भी सेट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ सभी को लगाना है और वीडियो भी प्राप्त करना है। देखिए, अब ITI वाले का जो है आप सभी जानते हैं 80% यहाँ पर टेक्निकल आने वाला है और 40% जो है नॉन टेक्निकल आने वाला है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर क्या हमारा टेक्निकल ही होगा, क्या हमारा नॉन टेक्निकल ही होगा। तो आप सभी को ध्यान रखना है, टेक्निकल जो क्वेश्चन आने वाले हैं 100 प्रश्न आपके MCQ आने वाले हैं, 40 जो है नॉन टेक्निकल आने वाले हैं। तो ये तो हो गया ITI वालों के लिए। अब देखिए, डिप्लोमा वाले छात्र में भी यहाँ पर जो है बहुत सारे कह रहे हैं कि सर क्या ये हमारे लिए ITI वालों के लिए लाते हैं आप सिर्फ जो है डिप्लोमा वाले के लिए यहाँ पर नहीं लाते हैं। तो देखिए, डिप्लोमा वालों का भी टीयर फर्स्ट होगा, ये भी आपका जो है नवंबर के लास्ट वीक या दिसंबर में आपका होने वाला है। और आप सभी को देख पा रहे होंगे, आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट डिप्लोमा वालों ने रिजेक्शन लिस्ट भी चेक कर लिया होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो है अब रिजेक्शन जो लिस्ट है वो उसका लास्ट डेट हो चुका है 20 अक्टूबर को आपका। और यहाँ पर जो है आप सभी में से भी बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर टीयर फर्स्ट और टीयर सेकेंड क्या एक साथ में होगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी नए हैं तो आप सभी को ये जानकारी होनी चाहिए। सबसे बड़ी गलती आप में से बहुत सारे कैंडिडेट करते हैं कि वीडियो को प्रॉपर तरीके से नहीं देखते हैं, यानी कि शुरू का देखा, लास्ट तक नहीं देखा। पूरी जानकारी लीजिएगा, आपके पास 2 मिनट है तो आप पूरी 2 मिनट दीजिएगा यहाँ पर, बट आपको पूरी जानकारी मिलेगी फ्रेंड्स। क्योंकि आप जो है पूरी जानकारी लें और सच्ची जानकारी लें जिससे कि जो आप अपने प्रिपरेशन पर फोकस कर पाएँ। अब देखिए, टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड में आप यही नहीं कर पा रहे हैं कि आपका पहले कौन सा होगा, तो आप क्या तैयारी कर रहे होंगे? आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे, तो मैं आप सभी को यहाँ पर बता दूँ, टीयर फर्स्ट डिप्लोमा वाले जितने भी कैंडिडेट ने STA की सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की जो फॉर्म पोस्ट जो के लिए जो अप्लाई किया है, उन सभी कैंडिडेट का पहला टीयर फर्स्ट जो है किसी भी सब्जेक्ट से आपने ये फॉर्म फिलअप किया हो, मानता हूँ आपने केमिस्ट्री से किया, फिजिक्स से किया, या फिर आपने मैकेनिकल से किया है, या फिर आपने जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या अन्य ट्रेड से भी किया है, तो आपका टीयर फर्स्ट नॉन टेक्निकल होने वाला है। उसमें एक भी टेक्निकल प्रश्न आपको नहीं मिलेगा, ये आप सभी को ध्यान रखना है। बार बार कमेंट करके आप अपना भी समय बर्बाद ना करें और अपनी प्रिपरेशन पर फोकस रखें। क्योंकि फ्रेंड्स, मुझे लगता है बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो पहली बार है तो जानकारी नहीं होगी,
बट मैंने इससे पहले भी आपको पूरी जानकारी दी है, बट आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा। बट इस वीडियो को आप सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जितने भी कैंडिडेट है डिप्लोमा से भरा है या फिर ITI से भरा है। तो ऐसे सभी छात्र जो है ऐसे हैं जो कि यही नहीं जानकारी ले पा रहे हैं कि टीयर फर्स्ट होगा या टीयर सेकंड। तो टीयर फर्स्ट होने वाला है डिप्लोमा वाले के लिए, नॉन टेक्निकल 120 प्रश्न आने वाले हैं यहाँ पर, तो आप सभी को ध्यान रखना है। मैथ से होगा, रीजनिंग से होगा, आपका रीजनिंग होगा, मैथ होगा और आपका GS होगा, जनरल इंग्लिश होगा, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये आप सभी के लिए हो गया, जितने भी कैंडिडेट के यहाँ पर कमेंट आ रहे थे, क्योंकि आपकी एक चूक से आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप इस बार जो है सिलेक्शन से चूके, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं हर वर्ष जो है आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसलिए आप सभी को समय का उचित प्रयोग करना होगा। और यहाँ पर देखिए आप सभी का रिजेक्शन लिस्ट जो है वो 20 अक्टूबर का लास्ट डेट हो चुका है। तो आप सभी डिप्लोमा वाले जो है अब पूर्ण रूप से जो है यहाँ पर तैयारी करिए, और जो भी जो सेट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो दोनों के लिए एफिशिएंट है, चाहे वो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हो डेट हों या फिर आपके जो ITI के कैंडिडेट हों। अब देखिए कल जो है मैं आप सभी को सेशन नहीं प्रोवाइड कर पाया, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा फ्रेंड्स। और आप सभी के लिए आज शाम को मिसाइल से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ रहा हूँ, तो आप सभी उस सेट को जरूर लगाएं, जितने भी डिप्लोमा वाले हैं या फिर ITI के कैंडिडेट हैं। अब देखिए आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि ITI वालों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारा जो रिजेक्शन लिस्ट है यानी टेक्नीशियन ए वालों का रिजेक्शन लिस्ट कब तक जारी होगा। देखिए यहाँ पर डिप्लोमा वालों का जारी हो चुका है, लास्ट डेट भी हो चुका है। अब आप सभी देख पा रहे होंगे ऑफिशियल पर अभी कोई अपडेट नहीं है एडमिट कार्ड को लेकर के हैं, तो एडमिट कार्ड जो है अब आपका ITI वाले जो टेक्नीशियन एक ही पोस्ट अप्लाई किए हैं उनका रिजेक्शन लिस्ट आना बाकी है, उसके बाद आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। रिजेक्शन लिस्ट कब तक आएगा, देखिए इसी हफ्ते जो है आपका जितने भी ITI के कैंडिडेट हैं टेक्नीशियन ए पोस्ट अप्लाई किए हैं, लगभग 8.5 लाख फॉर्म इसमें भरे गए हैं, तो आपका रिजेक्शन लिस्ट जो है इसी हफ्ते के अंदर जो है जारी कर दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, हो सकता है आज शाम को जारी हो जाए या फिर कल जारी हो जाए, बट एक हफ्ते के समय जो है आपका रिजेक्शन लिस्ट जारी हो जाएगा। तो और बहुत सारे कैंडिडेट गलती क्या करते हैं कि जो भी रिजेक्शन लिस्ट, देखिए यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा देता हूँ एक बार, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने गलती की है। देखिए डिप्लोमा वाले अब बार बार कमेंट करते हैं, आप सभी को मैं पहले भी अवगत करा चुका हूँ। देखिए जितने भी कैंडिडेट का यहाँ पर रिजेक्शन लिस्ट में नाम होता है उनका एक फॉर्म, मल्टीपल आपने फॉर्म अप्लाई किए तो एक एक्सेप्ट होगा आपका एक फॉर्म, तो वो एक्सेप्ट फॉर्म एप्लीकेशन कौन सा होगा। बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि एडमिट कार्ड कैसे निकालेंगे, तो ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक्सेप्ट एप्लीकेशन नंबर, तो इसको आपको नोट कर लेना है, इसी से आपका एडमिट कार्ड निकलेगा। तो आप बिल्कुल भी यहाँ पर टेंशन ना लें। उम्मीद करता हूँ सभी जितने भी कैंडिडेट ने यहाँ पर DRDO सेप्टम 10 का टेक्नीशियन वालों ने यहाँ पर जो है फॉर्म फिलअप किया है उनका सभी का एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब देखिए आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, जितने भी कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी के जो डाउट क्लियर हो गए होंगे। और आप सभी जानते हैं ITI वाले और डिप्लोमा वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ही जल्दी मैं आप सभी के लिए संडे में हो सकता है तो संडे में आप सभी के लिए लगभग 250 या 200 प्रश्न का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर के आ रहा हूँ, जो कि डिप्लोमा वाले टेक्निकल हो या फिर आपका नॉन टेक्निकल हो या फिर ITI के कैंडिडेट हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे क्योंकि वहाँ से आपका प्रश्न बनना ही बनना है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, देखिए आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट जानते हैं कि आजकल जो है शिक्षा का स्तर इतना व्यापार बना दिया है शिक्षा को, क्योंकि आप सभी देख पा रहे होंगे हर जगह जो आपको किताब मिलेंगी कि हमारी किताब ले लीजिए बेस्ट है, हमारा कोर्स ले लीजिए। इसलिए आप सभी से यही कहूंगा कि आपका जो ट्रेड टेस्ट का थ्योरी था उस पर पूरा उसका रिवीजन कर लीजिए। यदि आपका रिवीजन हो गया है तो आप सभी को मैंने बताया कि यूथ का प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, जो न्यू एडिशन है उसका यूथ का उसको लीजिएगा, उसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आप लगाइएगा। तो ये सारी जानकारी आप सभी को देनी थी। बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट मैंने देखे जब मैं ऑफिस आया, तो मैंने रात के समय तब मैं देख रहा था, तो मैं आप सभी के सारे कमेंट को पढ़ने के पश्चात ये वीडियो मैंने आप सभी को प्रोवाइड किया है। तो और ये वीडियो मैं अभी मॉर्निंग में शूट कर रहा हूँ, तो आप सभी जो है इसे जो है 12 बजे के आसपास मैं इसे अपलोड कर दूंगा, तो जाकर के आप सभी इसे देख सकते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि आज सांझ को मैं आप सभी के लिए लगभग 7 बजे के आसपास या 6:30 बजे के आसपास एक मिसाइल से संबंधित 25 प्रश्न लेकर के आ रहा हूँ, जो कि आपके DRDO से संबंधित होंगे, तो आप सभी बिल्कुल भी उसे देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।